हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जैक हिस्ट्री एग्ज़ाम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना। ये नंबर सिस्टम की पार्ट नंबर 2 है। अभी मैंने इसके ऊपर डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करवाने हैं, वो मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं ये जो अभी ये लेक्चर डालने ये करवाऊँगा, जो टॉपिक करवाऊँगा नंबर सिस्टम के अंदर ही है। और यहाँ से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखते, चाहे आपको SSC GL भरना दे रहा हो, MTS दे रहा हो, CSL दे रहा हो, JKSP दे रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से समझना और पूरी वीडियो देखना, 10-15-20 मिनट की वीडियो होगी, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स को, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आई, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आप कुछ कंसेप्ट कुछ फॉर्मली आपको याद रखना पड़ेंगे। A+B का होल स्केयर, A-B का होल स्केयर, फिर A²-B² स्केयर, उसके बाद ये वाला A+B का होल स्केयर, A+B का होल स्केयर -4AB। ये दोनों ये पहले 5 फॉर्मूले जो आपको याद टिप्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो अभी करवाने वाला हूँ वहाँ पे ये चीज़ जो आपको लगेगी, ठीक है। अब मैं इसके और डेरिवेशन पे नहीं जाऊँगा, वो मैं आपको जब अलजबरा करवाऊँगा मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट मंथ सितंबर में, जो आपका CGL का एग्ज़ाम है या बाकी एग्ज़ाम है, उसमें मैं आपको वो चीज़ समझा दूँगा, ठीक है। तो अभी सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये बोला कि 4 नंबर का सम दिया हुआ 27, ठीक है। 5 टाइम द फर्स्ट नंबर फाइव टाइम, मीन्स कि 2 नंबर मैंने एक्स मान लिया, वाई मान लिया, ठीक है। तो 5 टाइम द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम सेकंड नंबर। तो यहाँ से एक्स वाई वाई वैल्यू निकल गई 4, 5, ठीक है। तो हमें सम दिया था 27, ठीक है। सम हमें दिया था 27, 9 की वैल्यू कितनी है 27 दिया, 1 की वैल्यू कितनी है 3। तो पूछा गया कि स्मॉलर नंबर यानी 4 की वैल्यू पूछा हुआ, तो वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर सारे नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर बाकी सारे जो है नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव बोला ना, तो कंसेक्यूटिव यानी एक एक्स आ गया, एक एक्स प्लस 1 आ गया, यानी पहला नंबर अगर 1 होगा, दूसरा नंबर होगा 1+1 क्या होगा 2, ठीक है। तो ये सीरीज से आप याद रखना, जब आप कंसेक्यूटिव वाली सीरीज पूछे ना, तो आपका आप कैसे सीरीज लिखोगे, x+1 x+2 सो ऑन, ठीक है। अगर आपको पूछे कॉन्जिक्यूटिव इवन के कॉन्जिक्यूटिव ऑड, ठीक है, वो आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पूछे तो क्या होगी, x+1, ठीक है, x+1 या xx या x लिख लो, सॉरी x x+2 x+4 x+6, ठीक है। अब इस इक्वेशन में इस वैल्यूज़ में अगर मैं इवन पुट करूँ तो इवन वाला आंसर आएगा, ऑड पुट करूँगा ऑड वाला। अगर मैं ऑड वैल्यू यानी 1 पुट करूँ तो पहली वैल्यू 1 1 1+2 3, 1+4 5, 1+6 7। अगर मैं इवन पुट करूँ, 2 पुट करूँ पहले में, दूसरी वैल्यू क्या 4, तीसरी वैल्यू 6 और चौथी वैल्यू क्या 8, ठीक है। यानी इस ये जो सीरीज है आपकी ऑड वाले सीरीज ऑड में लगेगी, और जो जो ऑड में भी लगी इवन में भी लगी। अगर कॉन्जिक्यूटिव पूछे ना, तो फिर वो वाली चीज़ लगी, x x+1 x+2, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं साथ साथ वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उसका 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 स्क्वेयर, सम ऑफ द स्क्वेयर, ठीक है। तो सम ऑफ द स्क्वेयर आपने निकल लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर एक एक नंबर एक्स होगा, सॉरी एक एक नंबर एक्स होगा तो उसका x+1 होगा, ठीक है। एक नंबर एक्स होगा तो उसका x+1 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला ना, हाँ, उसका स्क्वेयर करना है, ठीक है। तो सॉल्व करा, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाएगा, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इजी बन जाएगा। सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू 1 बनेगी 13, एक बनेगी x+1 की वैल्यू बनेगी 12, ठीक है। उससे स्मॉल नंबर पूछा था, स्मॉल नंबर क्या होगा 12, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी, इतना सा नहीं करना, इतना इतना बड़ा चीज़ नहीं करनी, तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। शॉर्ट में कैसे करोगे, ऑप्शन यूज़ करो, ठीक है। अब इसमें 12, 13, 15, 20 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे छोटा का ऑप्शन क्या है 12, तो मैं 12 पुट करूँगा यहाँ पर, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब 12+13 कितना होगा, सॉरी 12+1 कितना होगा 13, 13 का स्क्वायर 169, 9, 4 कितना होगा 13, 1, 5 और 6, 11, 1, 313, ठीक है। तो इसको इतना सा चीज़ जो है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करी, ठीक है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप सिर्फ ऑप्शन यूज़ करो, आपका आंसर जो है वो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला सम दिया 2 नंबर का ये, और डिफरेंस दिया हुआ बस, यहाँ से आप मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, जो एक्स की वैल्यू आई उसको मैंने वाई की उसमें एक्स एक किसी एक क्वेश्चन में पुट करा, हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी निकल सकती है ना एक्स की वैल्यू, कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, मैंने पैसा पहले से निकाली हुई है, तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला
दो नंबर का सम दिया कितना 32, और उसमें से एक नंबर जो है वो कितना 18 ज़्यादा है, ठीक है। तो एक नंबर एक्स होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 18, ठीक है। तो मैंने जो एक्स प्लस 18 है वो वाई को मान लिया, ठीक है। तो बस उसकी वैल्यू पुट करी क्वेश्चन में, सॉल्व करा, आंसर एक्स की वैल्यू 7 आई। उसने पूछा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर यानी 7 + 18 कितना होगा 25, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बड़े ईजी हैं, बट कई बार बंदे को कन्फ्यूज हो जाता, दिखता नहीं, मुश्किल बंदे को समझ नहीं आता कैसे क्वेश्चन करना। ईजी क्वेश्चन है, आगे अच्छे आगे के क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, आगे ये वाला मैंने समझा दिया हुआ, जैसे अभी ये है, अब उसने बोला दोबारा बोलिए कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल एक्स एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ उसने प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट दे दिया ना। अब इतना ये वाली चीज़ जो आपको नहीं करनी, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, इसको नहीं समझा था उसको उसके लिए, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना, ऑप्शन यूज़ करना। तो ऑप्शन सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, 8। तो यहाँ पे पहली वैल्यू अगर वैल्यू 8 होगी, दूसरी वैल्यू होगी 8 + 1, 8 में 2 करना होता 72, या आंसर आ गया, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ कि आप समझ जाओ अच्छे से, ठीक है, ये भी समझा दिया। अब उसने बोला दूसरा नंबर क्या, सम ऑफ टू नंबर दिया कितना 25, आगे समझा। तो प्रोडक्ट दिया 136, सॉरी, ठीक है। तो इसको करने का बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। ऊपर वाला तरीका आप समझ लेना, बस उसमें मैंने फॉर्मूला लगाया, बट ये वाला आप मैथ पेपर में नहीं लगाना, इसी के ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। कई कई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में जो है आपका ये ऊपर वाला मेथड एप्लीकेबल अच्छे से हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, बट मैक्सिमम जब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस मेथड से करोगे आपको जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। दो नंबर का सम दिया कितना 25, तो मल्टीप्लिकेशन दिया, प्रोडक्ट दिया कितना 136, ठीक है। तो मैंने नंबर लिख लिए, कौन से नंबर जो है वो ऐड होते 25, 5 बनाते 17, 8, 19, 6, 20, 5, 18, 7, ऐसे आप अगर आप 10 के इससे पीछे देखो तो बहुत सारे नंबर है, आप क्लोज नंबर देखते हैं, ठीक है, 25 क्लोज वाले, तो मैंने सारे वाले 25 क्लोज वाले लिए, ठीक है। तो बस अब इसको इसका प्रोडक्ट देख लो, जो इसका प्रोडक्ट 136 है वो आपका आंसर होगा, 17 × 8 करोगे 136, बाकी वैल्यू में कहीं में 114 बन रहा, कहीं 100 बन रहा, कहीं 120 बन रहा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ना प्रोडक्ट 136 है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। उसने यहाँ पे क्यूब पूछा तो क्यूब निकाल दिया। अब ये वाला आंसर देखो, ये वाला आंसर देखो, ये वाला ऊपर वाला आंसर देखो, निकल उससे जाएगा, बट यहाँ पर लेंथी बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने वो चीज़ मुझे नहीं समझाई, करी मैंने सोल्यूशन जो आपको मैंने सोल्यूशन में करवाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए आगे कोई और क्वेश्चन आए तो उसमें आप निकाल सको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 1/3 ऑफ ए नंबर, कोई 1/3 नंबर है, मैंने एक्स मान लिया उसको 1/3, ठीक है, और 1/3 ऑफ ए नंबर जो है वो जो है नंबर से 6 ज़्यादा, नंबर से 6 ज़्यादा, सॉल्व करा आपका आंसर आ गया एक्स प्लस ऐसी वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। अब उसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो आपको मैं ना एक अलग से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ आए, ठीक है। अभी मैं जो करवा रहा हूँ इजी वो आपको मैं करा दूँ, मैंने हाँ। अब देखो यहाँ पे बोला दो कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। देखो मैंने बोल दिया ना, मैंने बोला था ना आपको भी समझाया था कि ऑड नंबर आएगा तो आपकी वैल्यू आप सीधी सी बनी एक्स प्लस 2, ऑड में भी यही और इवन में भी यही, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इवन ऑड वैल्यू पुट करो 3, 3, 3 + 2 कितना 5, ठीक है। अगर ऑड पुट करो तो ऑड वाली सीरीज बन जाएगी, ऑड इवन पुट करो तो इवन वाली सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो उसने बोला इसका डिफरेंस का स्क्वायर दिया हुआ आपको कितना 56, ठीक है। तो इसमें आप हमेशा बड़ी वाली वैल्यू बड़ी, क्योंकि एक्स प्लस 2 बड़ी है, इसमें से इसमें माइनस इसको माइनस करना, ठीक है, सॉल्व करना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप ऑप्शन यूज़ करोगे तो आप जल्दी निकाल लोगे, ठीक है। जैसे अभी 56 है ना, मैं अगर 11 पुट करूँ तो 11 + 2 कितना 13 का स्केयर कितना 169, ठीक है। तो 13 का स्केयर 169 है ना, तो 11 पुट करा तो उसमें नहीं उससे इस थोड़ा टफ बन जाएगा, टफ तो नहीं बनने लगेगी। हाँ, मैंने यहाँ पे 11 एक्स वैल्यू 11 पुट किया, 11 + 2 13 का सिर्फ 169 और 11 का सही होगा 121, तो माइनस करो कितना बना 8 48 बना, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 13, ठीक है, यहाँ पे 13 पुट करूँ 13 + 2 15 का इसके 225, ठीक है,
225 में से 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो माइनस करा करो 15 में से 9 निकाले 6 और 11 में से 15 आ गया आंसर। ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से कर सकते हो। दूसरे तरीके में सिर्फ आपको जो मैंने आपको दो पांच फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं स्टार्टिंग में बस वो पढ़ने हैं, उसमें से आपको फाइव मैक्सिमम कुछ निकल जाएंगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि एक ऑर्चिड क्या है, एक गार्डन है जिसमें जो है इतने 576 जो है ट्रीज है। ठीक है, अब ट्रीज ऐसे ट्रीज को ऐसे अलाइन करना है कि रोज में जो है ना जितने अगर उसको एक लाइन में अगर 10 ट्रीज लगे हुए हैं तो अगली लाइन में 10, अगली लाइन में 10, अगले में 10, ऐसे ऐसे के उसके बराबर नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो आपकी रोज में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसमें क्या करना है, इस टाइप क्वेश्चन में आपको इस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो अब स्क्वायर कोई भी नंबर का निकालना तो आपको कहना लास्ट नंबर देखना है 6। ठीक है, अब 6 लास्ट में कब का आता है, 4 का स्क्वायर में 16 आता है और 6 का स्क्वायर में 36 आता है। ठीक है, और किसी वैल्यू में 6 जो है वो नहीं आता। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर हम कैसे कहाँ से कहाँ तक चेक करें, 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, इसके बीच में जो वैल्यू होती है ना लास्ट नंबर उसका देखते हैं स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पे आते हैं, अब उसने बोला लास्ट नंबर जो है 6 होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 6 लास्ट होता है, 6 का स्क्वायर 36 में 6 लास्ट होता है। बाकी अगर 2 से लेकर आप 9 तक स्क्वायर देखोगे तो किसी नंबर में इसके इन दोनों के अलावा किसी नंबर में 6 लास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर आगे 4 लिख दिया 6 लिख दिया, किस कौन से स्क्वायर में आया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये जो 57 है, ठीक है, 57 के नीचे वाली वैल्यू लिखनी है उसका स्क्वायर है, 57 नीचे वाला स्क्वायर क्या कौन सा होता है, 7 का, 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो नंबर जो नंबर यहाँ पे आपने लिखा ना उसमें 1 ऐड करना, तो कितना 7 में ऐड करते हैं 8, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 56 बन गया ना। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू का कंपेरिजन करना आपने इस वैल्यू से, 57 बढ़ा या 56 बढ़ा, 57 बढ़ा तो बड़ी वाला आंसर होगा। अगर ये वैल्यू अगर 57 वाली वैल्यू अगर सपोज यहाँ 57 है या होता 59, तो यहाँ पे ये वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, तो इसका छोटे वाला आंसर होगा। बट इस क्वेश्चन इस केस में जो है 57 बड़ा 56 है, तो यहाँ पे बड़े वाला आंसर आएगा, अगर छोटा होगा तो छोटे वाला आंसर आएगा। ठीक है, इसमें आगे और क्वेश्चन है, और इसमें एक ये क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी तो ईजी है क्वेश्चन, थोड़ी ये प्रोडक्ट वाला समझाया नहीं मैंने, प्रोडक्ट वाला समझाया था क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ हो गया, सॉरी यार प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, उसने बोला सम दिया दो नंबर का 40, तो उसका प्रोडक्ट दिया है 60, तो उसका रेसिप्रोकल निकालना है, यानी कि कोई नंबर का दो नंबर ही होंगे x प्लस 5। ठीक है, तो सम दिया था उसका आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो 1/x + 1/y, एक्स और वाई की एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई, ऊपर क्या होगा वाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या आएगी 40, और एक्स वाई की वैल्यू नहीं 60, तो कितना का 2 बने। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप खुद करना, ये मैंने शेयर करा हुआ है, ये एक नोट्स मुस्लिम डाल लो टेलीग्राम पे, इजी क्वेश्चन आएगा, चलो समझा देता हूँ, 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी, इसमें लेंथ ही बन जाएगी वीडियो, तो थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यार कल ही समझाएंगे ना ये वाला क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन जो है आपको मैं कल समझा दूँ, बाकी नोट्स में टेलीग्राम में डाले हुए हैं, आप आराम से कर सकते हो, मैं लेंथी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि यार अगर 15-15 मिनट की वीडियो भी देख लोगे बड़ा सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो डाली उसमें क्यूब समझाया हुआ है। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, लव यू।